देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने देखा कि जिस तरह ये माल्टा है और इसके अंदर छोटे छोटे पीसेज हैं जिनको हम पाकिस्तानी झाड़ियाँ भी कहते हैं। सो मैं उन नौजवानों को जो एक टीम होकर काम करती है, मैं उनको एक छोटा सा लेसन देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, इस तरह मजबूत देखना चाहते हैं माल्टे की तरह, तो उसके लिए आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह होकर काम करना पड़ेगा। इससे हमारी यूनिटी बढ़ेगी, हमारा इत्तेहाद कायम होगा और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी। अगर ये माल्टा सारे, इसके अंदर जितने भी पीसेस हैं, उस सारी टीम के मेंबर्स जब इकट्ठे होते हैं तो इस माल्टे की एक वैल्यू है, उसी तरह एक टीम की वैल्यू होती है। लेकिन जब टीम के लोग अलग-अलग हो जाते हैं और कोई शख्स भी सही से अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो फिर ये देख सकते हैं आपके क्या होता है। जैसे कि ये मैंने खोला और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके टीम मेंबर में से कोई एक शख्स है जो अकेला है, उस शख्स की आप समझ लें कि कोई वैल्यू नहीं है, उस अकेले शख्स को दुनिया खा जाएगी। लेकिन जब आप इकट्ठे हैं तो आपको कोई शख्स गिरा नहीं सकता, खा नहीं सकता। लेकिन जब दोस्तों आप अपनी